अस्सलाम वालेकुम पाप विलेज, मेरा नाम है सुनील। मैं जो आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मौजूद हूँ पंजाब के शहर मुल्तान में। यस, औलिया का शहर है और हम यहाँ पे अपने दोस्त फैसल शादी खेल साहब से मिलने आए थे। तो मैंने कहा कि उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी बेहतरीन सी वर्कशॉप बनाई है, आज आपको उनका वर्कशॉप जो है वो विजिट कराते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर मुल्तान के अंदर और ऐसी बेहतरीन वर्कशॉप बनाई जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच सर। सर यहाँ से शुरू करते हैं। हम लोगों को दिखा रहे थे कि बाहर एक्सट्रीम लोग गैस नहीं करते थे, लेकिन अंदर अगर आए तो बड़ी बेहतरीन आपने वर्कशॉप बनाई है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं देख रहा कि आपका ये रैली ट्रक खड़ा है। ये प्रिपेयर्ड की मेरी पहली रेस कार, सही है, जो कि मेरा ख्याल अभी तक हमने जितने मैंने पहले भी आपको बताया था रैली टूर किए थे कि जिस गाड़ी का जो इंटीरियर था वो इतना पर्पस बिल्ड और इतना खूबसूरत बना हुआ है, ऐसे लगता है आप कॉकपिट में आ गए। आई एम रेसिंग दिस कार फ्रॉम द लास्ट 3-4 ईयर्स। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है इस गाड़ी का। सही है, इट्स अ 5.7 V8, इट्स अ 5.7 3UR इंजन। सही है, स्टैंडर्ड ECU, स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन का, लीव स्प्रिंग्स की जगह 4-लिंक सस्पेंशन लगा हुआ है। कोई कमानियाँ शमानियाँ नहीं? कोई कमानियाँ शमानी कुछ भी नहीं है। बड़ा अभी इसका कॉइल ओवर उतरा हुआ है, यहाँ से काम हो रहा था गाड़ी पे, तो स्टैंड्स के ऊपर खड़ी है गाड़ी अभी। सही है, कुछ सस्पेंशन के ऊपर इसके काम हो रहा था, तो इसके फर्दर इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं हम लोग। ड्यूल रेडिएटर है ये गाड़ी, एक रेडिएटर एट द बैक है एंड देन देयर इज अनदर रेडिएटर एट द फ्रंट एंड देन देयर इज रेस फ्यूल सेल। सही है, 140 लीटर्स। ये गाड़ी मेड इंजन है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 12 inches जो है इसका इंजन बैकवर्ड गया हुआ है। सही, तो उसका एडवांटेज ये है कि गाड़ी का जो हम्स के ऊपर जब फ्लाई करते हैं तो उसका बैलेंस जो है गाड़ी का मेंटेन रहता है। फिर ये गाड़ी किस लिए ले लिया? ये रेस टीम की है, समझे क्रू व्हीकल है। अच्छा, सिंगल कैबिन, जैसे मिड पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो सारा टूल हम पीछे कैरी करके मिड पॉइंट पे गाड़ी। इस पे भी हमें आगे देखते हैं स्केट प्लेट वगैरह लगी, और भी कोई मॉडिफिकेशन की है इसमें? इसमें मॉडिफिकेशन एज सच तो नहीं हुई, इसमें भी किंग्स के इसमें रिजर्वायर शॉक्स डालेंगे, ठीक है, और स्केट प्लेट वगैरह बन गई है। स्टैंडर्ड सिंगल कैब 4x4 वाली गाड़ी है। फिर ये इतने ज़्यादा व्हील्स यहाँ पे ये बेच रहे भी हैं क्या कर रहे? नहीं नहीं, ये सारे रेस वाली गाड़ियों के लिए डिपेंड करते हैं। रिचेस पड़े हुए सारे रेस ट्रैक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि झलमक्सी की रेस है वहाँ पे मड टेरेन टायर्स यूज होते हैं। सही है, तो आपने सारे कर दिए हो गए। और ये बीड लॉक्स पड़े हैं जी? ये बीड लॉक्स हैं। ये आपकी गाड़ी के? ये मेरे टकोमा जिसमें सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। सही है, ये उस गाड़ी के व्हील्स हैं। और ये वाले मेथड जो है, ये मेथड व्हील्स हैं, ये स्टैंडर्ड वाले, ये बीड लॉक नहीं है, ये नॉर्मल बीड लॉक डिज़ाइन है, पर है मेथड व्हील्स। सही सही सही, ये बड़ी आपने खूबसूरत सेटिंग बनाई है, बड़ी जैसे लग रहा है मुझे, जब टॉप गियर याद आ गया इधर आके तो बिल्कुल ही। अच्छे जी, और ये यहाँ पे सारे टूल शूल अपने आपने काम? यहाँ पे रैंडम टूल है, यहाँ पे ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिकल का इस पोर्शन में काम करते हैं गाड़ियों का। तो ये रैकी व्हीकल है बड़ी, जो कि रेस पे ट्रैक की रैकी करते हैं 1000-2000 किलोमीटर, ठीक है, एवरी रेस के ऊपर। थर्ड जन टकोमा है, थोड़ा जी सही। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये ऑटो ट्रांसमिशन है। ये लास्ट में याद है जब मुल्तान ऑटो शो पे आया था, ये पे गया था। बिल्कुल, आप लेके बहुत खूबसूरत गाड़ी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम हो जाता है? यहाँ पे सामने एक मुझे नजर आ रहा है, ये आपने 0 मीटर रेवो को बिल्कुल ही उसको छेड़ फाड़ के रख दिया, ये क्या स्टोरी है इसके अंदर? ये वो असद, असद साहब की गाड़ी ब्रदर है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो असद ऑलमोस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ द रेसेस, वो 80% ऑफ द रेसेस उसने विन की हुई है। तो उसकी की वजह क्या है विन करने की, कि एवरी टाइम दे हैव अ न्यू कार। सही है, सो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, एवरी 2 इयर्स दे हैव अ न्यू कार, ठीक है। तो जो लास्ट कार थी दे वन अराउंड 6 पोडियम्स, जिसमें से 4 फर्स्ट हैं उस गाड़ी के। तो वो गाड़ी उन लोगों ने चेंज करके अब दोबारा अपग्रेडेशन वो ये कर रहे हैं कि पहले उनकी गाड़ी में पीछे वो कमानी लगी हुई थी, लिफ्ट स्प्रिंग लगे थे, अभी इसको ट्रेलिंग आर्म करने लगे हैं। आपकी गाड़ी की तरह इसमें से भी कमानी निकल रही है? इसमें से भी कमानी निकल रही है, उसके लिंक्स हैं पड़े पीछे, इसके अंदर आर्म्स लग रहे हैं। तो ये इसके आर्म्स बन रहे हैं, ये इसके आर्म्स हैं, ये CNC प्लेट्स कटी हुई हैं। और ये सारे भी आपने इन हाउस बनाया? ये इन हाउस बनाया इस तरीके से कि हम लोगों ने प्रॉपर पेटेंट जो डिज़ाइन CAD फाइल्स हैं, सही है, जो डिज़ाइनर्स के बाहर USA में जो ये काम करते हैं उन लोगों से पेटेंट फाइल्स को बाय किया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे CNC वो कटिंग बेड मशीन के ऊपर उसको कट करके अब इसको हम एक फिक्सर टेबल बनाएंगे जहाँ पे एट अ वेरी लेवल प्लेस। अच्छा, तो पहले इसका मतलब ये है कि हम लोग पाकिस्तान में हमेशा देखते रहते हैं ऑटो इंडस्ट्री की बात होती है, लोग कहते हैं कि हमने कुछ बनाते नहीं, सिर्फ जोड़ते हैं, तो दिस मीन्स अ लॉट कैन बी डन इन पाकिस्तान। अगर आप एक अपने पर्सनल सेटअप के अंदर इतनी चीज़ें बना रहे हैं, जिस तरह की आप मशीन बता रहे थे CAD के थ्रू ड्राइंग्स निकालनी, बल्कि आप कल मुझे भी बता रहे कि शायद वो कोई एक आपने बेंडिंग मशीन ली है अभी जी, तो वो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इतनी यानी अभी कैपेबिलिटी मौजूद है कि हम लोग लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरीके से कि हर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। पाकिस्तान में काफ़ी इंजीनियर्स भी हैं, काफ़ी टैलेंटेड लोग भी हैं,
बट एक वो रिक्वायर्ड टाइम और रिक्वायर्ड स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होती है, सही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट जो रिक्वायरमेंट होती है। आई थिंक मिसमैच है पाकिस्तान में, ये सारा टैलेंट भी फिर रहा है, चीज़ें भी हैं, बट वो जो कहते हैं ना कैपिटल एक बंदे के पास है, टैलेंट एक के पास है, अगर वो मिसमैच जो है आपस में इकट्ठा हो जाए तो बेहतरीन काम होता है। डेफिनेटली। अच्छा सर, इसकी ऊपर का शेल वेल किधर गया है? इसका शेल अभी डिसएंगेज करके सामने लिफ्ट के ऊपर, वो लिफ्ट के ऊपर जो ये है वो, एंड इट वाज बेयरली 0 मीटर है, वो बेयरली 0 मीटर, हार्डली 15-20 किलोमीटर ड्रिवन होगा। इसके लिए भी कैसे हिम्मत और शौक चाहिए। अच्छा, ये साथ ही कार्बन फाइबर हुड पड़ा है, ये भी इसी का है? कार्बन फाइबर हुड इसी गाड़ी में लगेगा। एंड दिस इज ओरिजिनल कार्बन फाइबर की? नहीं, दिस इज ओरिजिनल कार्बन फाइबर। इसका वेट मतलब कि इट्स वेरी लाइट, वेरी लाइट। ये तो मेरे जैसा कमजोर आदमी भी उठा रहा है। और इसके जो डैशबोर्ड वगैरह है वो भी चेंज करेंगे क्या करेंगे? डैशबोर्ड में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो डैशबोर्ड के ऊपर शेल है, हम सिर्फ वो शेल ब्रांड न्यू गाड़ी वाला उतार के दूसरा लगा के, क्योंकि हमने रोल केज जो है वो थ्रू द डैशबोर्ड लेके जाना है, जो कि प्रॉपर सेफ्टी स्पेसिफिकेशन। ठीक है। और रोल केज भी आप इन हाउस बना रहे हैं अपनी वर्कशॉप में? रोल केज हम सारे काम इन हाउस ही कर रहे हैं। अच्छा, और आपके पास टीम कितने लोगों की है? यहाँ पे सुपरवाइज करता है मैकेनिकल इंजीनियर, एंड देन देयर इज 6 to 7 अदर स्किल्ड पीपल जो कि गाड़ियों पे काम करते हैं। ठीक है। मतलब अपनी रेस वाली गाड़ियों पे यहाँ काम करता है एज अ हॉबी। अच्छा जी। सर, ये एक टकोमा खड़ा है और इस पर आपका नाम बड़ा चीदा अल्फाज में लिखा हुआ है, ये क्या प्रोजेक्ट है जी? ये टकोमा है जी, 3UR इंजन है इसके अंदर। ये भी आपने रिसेंटली एक्वायर किया? वो रिसेंटली एक्वायर किया चोलिस्तान के लिए, बिकॉज मैं चोलिस्तान से ही एक्वायर हुआ, मुल्तान से जी एक्वायर हुआ। तो इस गाड़ी के अंदर पहले तो 1GR था, 1GR इंजन स्टैंडर्ड गाड़ी थी बिल्कुल। इसमें पूरी गाड़ी को डिसमेंटल किया, इसका जो पूरा चेसिस है जी 3.5 इंच का, तो पहले पूरे इसके चेसिस की रीइंफोर्समेंट की, जो चेसिस की करेक्शंस थी जिस तरह वो किया, वो उतार के सारा कुछ जी, पूरी गाड़ी को डिसएंगेज करके, इसका वो डाटा है मैं आपको शेयर करूंगा। सही है। तो डिसएंगेज किया, फिर इसमें 3UR की इंजन बनाए, इंजन फिटिंग्स बनाई, रेडिएटर फिटिंग्स बनाई, ट्रांसमिशन फिटिंग्स बनाई, सस्पेंशन वाली जो था इंस्टॉलेशन जो थी वो सारी को रीडू किया दोबारा से। हाँ, क्योंकि उसमें काफ़ी एरर थे मेरे ख्याल है, पहले इंस्टॉलेशन में एरर थे जी, तो रीडू किया, क्योंकि वैसे भी चेसिस हमें रीइंफोर्स करना था तो सब कुछ डिसएंगेज हो गया, तो ऑल द वर्क जो है उसमें रीडू किया। कॉयल ओवर है विद 700 स्प्रिंग रेटिंग, सेकेंडरी बाईपास शॉक है, 3.5 इंच की एक्सटेंडेड आर्म्स हैं, पीछे स्प्रिंग अंडर कन्वर्जन, जैसे आम रीवो में ट्यूब के ऊपर से होती है कमानी, इसकी नीचे से जा रही है, इसकी नीचे से जा। अच्छा, मैं दो तीन चीज़ें देख रहा था, साइड मिरर बड़े स्टाइलिश, ये आपने खुद फैब्रिकेट करवाए क्या किया ये? इसमें यह किया ना कि ये जो मिरर है सिर्फ मिरर कार्टेक से मंगाया, US जैसे ऑफ रोड वेयर हाउस टाइप शॉप्स होती हैं, सिर्फ मिरर मंगाया, ये बाकी इसकी फिटिंग हम लोगों ने खुद था बड़ा इसके सोच के बनाया कि मैं देख रहा था अगर रेस में भी जा रही है तो सेफ्टी भी है कि इसको लगेगा ये नहीं। हाँ जी, जैसे वो कोई दरख्त है, कोई झाड़ी, कोई झाड़ियाँ वगैरह लगेंगी हम जाते हैं। अच्छा, ये रैप है, बोल्ट मशीन लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड है और ऊपर रैप है। अच्छा जी। इंटीरियर में भी कुछ चेंजेस किए सर? इंटीरियर में कुछ बेसिक चेंजेस यही किए हैं कि स्टीरियो वाली जगह के ऊपर वो स्टीरियो उतार लिया, जो हमारे बेसिक कंट्रोल स्विचेस हैं बड़े वो लगे वो रख लेंगे, एंड देन इट इज ऑल स्टैंडर्ड। और इसका रोल बार वगैरह भी दोबारा चेंज किया? इसका रोल बार चेंज किया है तब से, बट इसको रीडू करना है हमें रोल बार, बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, ठीक है, वी हैव गॉट दिस प्लेस हियर, तो हमें इस रोल बार को बाहर लाना है इसको फ्रेम के अंदर से। तो नया रोल बार बनेगा चोलिस्तान की रेस के लिए, विद इन लाइक 1-1.5 मंथ ये गाड़ी तैयार करनी पड़ी थी। अच्छा, तो चोलिस्तान में धोखा इसने दिया था? चोलिस्तान में धोखा इसी गाड़ी ने दिया था। अच्छा, तब आप लास्ट नाइट बंदा कहता ना कई दफा धोखे को इंसान वो कहते हैं, इसको तो धोखे भी आप कहते होंगे धोखे की वजह से पोडियम आया। मैंने इसको गाड़ी ने धोखा दिया, मैं आई वाज आउट फ्रॉम द रेस, आई डिसाइडेड मैं बिल्कुल काम था कि इट्स ओके, रेस खत्म हो गई, एंड देन आसिफ फजल चौधरी वेरी गुड एंड वेरी काइंड फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने कल उनको कहा जब उनके मैं गया हूं कि मैंने कहा कमाल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है हमारे, तो लोग किसी को अपना जेडी चक्के पे चक्का नहीं देते कि यार ये खराब कर देगा। आसिफ ने ऐसे खुले दिल से आके बोला, बिल्कुल खुले दिल से, ये गाड़ी पकड़ो और जाओ रेस करो। मतलब फुल प्रिपेयर्ड गाड़ी थी रेस की, बिल्कुल नई गाड़ी उसने अपने यूज के लिए बनाई, 15 दिन में तैयार हुई, 15 दिन में जो तैयार हुई, और वो 15 दिन में गाड़ी तैयार होके रेस पे भागी भी सी और फर्स्ट भी आया। वो तो सर ड्राइवर का भी काम है ना घोड़े के अलावा। व्हाट अ नाइस बिल्ड बाय आसिफ, मतलब उस गाड़ी की जो सस्पेंशन थी कमाल थी। इसकी सीट्स कौन सी डाली है? इसके अंदर PRP सीट्स हैं, तो ये जो ग्रीन कलर थी मैं हमारा वो टेलर मेड कराई, तब इसमें वो ग्रीन फॉलो किया हमने। सही है। लेदर राइट इसका ग्रीन में कराया, पीछे और इसका वाटर ड्रिंकिंग पाउच। बाकी ये सिस्टम था, इसमें भी कोई चेंजेस किए भी आपने कि नहीं? फ्यूल सेल वगैरह इसके अंदर ये चेंजेस किए हैं कि एक तो इसका क्योंकि रेस के लिए हमें अराउंड फॉर वन स्टेज मोर देन 100 लीटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है वो अराउंड 80 है। सही है, तो 80 एंड देन अनदर ये फ्यूल सेल हम लोगों ने लगाया, सेकेंडरी फ्यूल सेल नाउ दिस इज अ सेकेंडरी फ्यूल सेल, और ये भी अराउंड 80 लीटर है। फिर इसका ये वेंट लगाया हुआ है, क्योंकि जैसे
अंदर इसकी गैसेज होती हैं, सही है, फ्यूल सेल के। तो ये सामने वेंट है, इस वेंट से इसकी गैसेज आउट होती हैं, ठीक है। और फिर ये बॉश का इसमें फ्यूल पंप लगाया हुआ है ट्रांसफर के लिए, सही। अच्छा, ये सामने जो टकोमा खड़ा है, जल मक्सी, ये जल मक्सी, ये अली मक्सी की गाड़ी है जी। और ये एयर स्टॉक की गाड़ी है, इसकी बस कुछ बेसिक फैब्रिकेशन की है, एयर स्टॉक की गाड़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा तो मॉडिफिकेशन नहीं की। इसमें 1GR है, इसके अंदर 3.5 और ये स्टॉक गाड़ी है, बस थोड़ा सा स्किड प्लेट इसका बनाया, रोल केज का काम किया, ओवर फेंडर के थोड़ा कर रहे हैं। ये जो फैब्रिकेशन ओवर फेंडर वाली है, ये भी यहाँ पे फैसिलिटी मौजूद है, ये यहाँ पे किया फाइबर का काम। और इंटीरियर में इसका रोल केज वगैरह बना जी, इसका रोल केज बनाया। इसमें भी सिमिलरली दिस इज नॉट करेक्ट, ये मैं कहता था इसका यहाँ पे आना चाहिए ना जी, उधर से भी ये जो तो गैप है, ये भी गाड़ी बिल्कुल ऐसे नेक ऑफ द टाइम पे आई रेस से पहले, सही है। तो अली भाई वांटेड टू रेस इट इन दैट रेस, तो इस वजह से नाउ वी विल हैव इट फ्रॉम द डैशबोर्ड। तो ये इसको भी इधर मॉडिफिकेशन करनी है, फर्दर मॉडिफिकेशन है इसमें। आगे एक और टकोमा खड़ा है सर, वो मुझे लगता है कि आपका हमेशा वाला टकोमा वही है। ये वो टकोमा है जिसने जो है ना मोर देन 1.5 ईयर जो है R&D और जो एफर्ट इस गाड़ी के पीछे है सर। तो इसकी तो सीट बड़ी ऐसी लग रही है कि पता नहीं इसके अंदर टाइम कैप्सूल वाली सीट है कोई, ये क्या स्टोरी है भाई? ये नेक प्रोटेक्शन के लिए इसके ये वाला क्या, सिमिलरली हम ग्रीन थीम दोबारा फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे लोगों को ये भी नहीं पता, अक्सर लोगों को जो रेस भी कर रहे होते हैं कि इसकी भी एक एक्सपायरी होती है। जी जी, वो लोग ख्याल नहीं करते, उसको कम्प्लाई करना पड़ता है, 7 to 8 years होता है, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन इस तरीके से है कि नंबर 1 3UR इंजन है 5.7, ठीक है, जैसे बाकी सब गाड़ियों में है। और इसमें आप बता रहे हैं स्टैंड अलोन ECU इसमें आ रहा है, इसमें स्टैंड अलोन ECU है, वो सामने मोटेक लगा हुआ है ऑन द अदर एंड, उसका PDM लगा हुआ है जो उसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल है, एंड देन द ECU है, और फिर ये एक और मॉड्यूल लगाया हुआ है RCR 412, आपने जी जी बिल्कुल सामने, ये मॉड्यूल है वो जो PDM है और M150 जो ECU है वो सिर्फ इंजन रन करने के लिए, ट्रांसमिशन एंड द इंजन, ठीक है। बाकी कंप्लीट गाड़ी की लाइट्स, वाइपर्स, स्विच लाइट्स, फ्यूल टैंक, फ्यूल पंप्स, सब कुछ जो है वो इस 412 के ऊपर है पड़ा। तो ये इटसेल्फ जो है फ्यूज बॉक्स समझो आप, ठीक है। और ये सारा जो है हीट इंसुलेशन के लिए लगाया, ये क्योंकि इसकी गाड़ी की सारी ये फायरवॉल बनी नहीं, क्योंकि हमने इंजन पीछे लेके आए, पीछे लेकर आया थोड़ा, तो इसकी वजह से ये फायरवॉल सारी फैब्रिकेट हुई, तो फिर अब उसके ऊपर एडिशनल हीट प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। अच्छा जी, तो ये अभी तकरीबन 1.5 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, ये कंप्लीटेड है, ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया था गाड़ी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पूरी गाड़ी को डिसमेंटल किया, क्योंकि इसके जितना ये केज है ये फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम फ्रंट टू एंड पूरी गाड़ी केज के थ्रू कनेक्टेड है, और इसका रोल केज जो है वो सही वाला बना हुआ है, इसमें सही वाला है, बिल्कुल कनेक्टेड है। फिर अब डिसमेंटल करके ये सारी पेंट जॉब करनी, ठीक है, पेंट जॉब ऑफ द केज। अब पेंट जॉब इसकी कंप्लीट हो गया, तो वापस अब हम इसको रिसेंबल। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ये देखें टोटल क्योस लगा हुआ, इसमें भी टोटल क्योस लगा है, इसके अंदर कैम्बर के एडिशनल ये स्पिंडल लगे हैं, ठीक है। वैसे तो जो बाकी किट्स हैं उसके अंदर ये होता है कि जो जेन्युइन स्टैंडर्ड स्पिंडल होता है गाड़ी का, उसी की री इन्फोर्समेंट किट मिल जाती है कि आप उसको एज इट इज उसी स्पिंडल के ऊपर रखते हैं, वो फोर्ज्ड हो जाता है। तो ये इटसेल्फ कैम्बर ने पूरा फिल्टर ये स्पिंडल ही बनाया री इन्फोर्स, ठीक है। और इसमें ट्रिपल बाईपास शॉक है जी, ये ट्रिपल बाईपास 3.0, उन गाड़ियों के अंदर जो बाईपास शॉक लगे हुए हैं वो 2.5 है, ये 3.0 है, सही है। तो इसकी जो रेडियस है ये 3.0 है, और वो पीछे बम्प स्टॉप है जी, ये पीछे बम्प स्टॉप आ गया, ये इसका लिमिट स्ट्रैप बेल्ट आ गया, ये प्राइमरी शॉक आ गया, ये सेकेंडरी शॉक आ गया, ये सेकेंडरी शॉक के ऊपर ये सेकेंडरी शॉक हुप आ गया, शॉक हुप के ऊपर ये सेकेंडरी शॉक फिट होता है, एंड ये इसका एक्सटेंडेड एक्सल आ गया, ठीक है। एक्सटेंडेड एक्सल आ गया, एक्सटेंडेड स्टेयरिंग रैक हो गया, इसके जो स्टेयरिंग रैक है इसमें भी अपग्रेडेशन हुई हुई है, ठीक है। और अब ये गाड़ी जो है ये आपका कंप्लीट रेस हॉर्स ये होगी, राइट, दिस विल बी योर प्राइमरी व्हीकल, राइट। एग्जैक्टली, इसकी जो दो मेन सुपर स्पेशल चीज़ें हैं, इसका जो सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन है, सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन में ये होगा कि जब गाड़ी आइडल खड़ी है रेस पे लॉन्च होने से पहले, तो मुझे तब इसका क्लच पूरा प्रेस करना होगा, आफ्टर लॉन्च मुझे क्लच ट्रांसमिशन चेंज कर गियर अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने के लिए जस्ट ए टैप ऑफ द क्लच, SMG गियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है, एग्जैक्टली, टक टक टक, गाड़ी आपकी जा रही है कहीं, यहाँ पे कोई हार्श टर्न आ गया, कोई चीज़ आएगी, यू डोंट नीड टू ब्रेक, आप फिफ्थ गियर में जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली 1, 2, 3 गियर आप डक 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 डाउन शिफ्ट कर दें, क्विकली चेंज हो जाएगा, क्विकली चेंज, आप इकट्ठे 3 to 4 गियर्स इकट्ठे डाउन कर दें, गाड़ी आपको ब्रेक लगाने की जरूरत, और वो बिल्कुल आपके स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ है, स्प्लिट ऑफ अ सेकंड गियर
शिफ्ट हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है, मेरे नहीं ख्याल के आपके अलावा अभी कोई और सिक्वेंशियल गियर यूज़ कर रहा है? नहीं, अभी तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। और मैं तो मतलब 2017 में यूज़ किया था, 3 साल की प्रैक्टिस है। मैं ये सोच रहा हूँ 5 साल हो गए इसका मतलब है, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो इज इट टू कॉम्प्लिकेटेड या क्या वजह बन रहा है? यहाँ पे तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में अगर एक पान की दुकान भी खुलती है तो गली में 10 खुलती हैं, रैली में भी कोई एक गाड़ी लेता है तो फिर सारे वही ले लेते हैं, तो इसको क्यों नहीं कॉपी किया किसी ने? नॉट कॉम्प्लिकेटेड इसका, एक तो बिकॉज कंपटीशन में ज़्यादा गाड़ियों में ये चीज़ सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन नहीं है, तो अदर पीपल डोंट इवन एडिशन होना चाहिए। अनदर रीज़न इज के सिक्वेंशियल ट्रांसमिशन जो है इटसेल्फ कॉस्टली होता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक रीज़न है कि रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अराउंड 30,000 मतलब जितने का आपको टकोमा मिल जाता है, जितने का टकोमा मिल जाता है उतने का गियर है जी सर। तो ये भी इंशाल्लाह हम इसको रैली में कब देखेंगे? इस ट्रांसमिशन के पीछे तो मतलब कि इट्स फॉर लाइफ। हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि जिसे कहते हैं ना सस्ता रहो एक बार, बार बार महंगा रहो एक बार सस्ता रहो बार बार। तो ये अब गाड़ी जो प्रोजेक्ट है ये हम इसको रैली में कब देखेंगे? ये इस साल थल में नजर आएगी? इस साल थल में नजर आएगी, पहले जैसे बताया गाड़ी कम्प्लीटेड है, स्टार्टेड है। सर बहुत अच्छा लगा आपके गैर इसका जो है ना वर्कशॉप टूर करके, ये टूल भी माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे रखे हुए हैं और आखिर में आपने हमारे बच्चे को गिव अवे देना है, वो बच्चा उस टाइम से जब से आया एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है। ले लो यार भाई, बाद में ना कहना कि नहीं है, 4x4 लगा के जाने, अगर खराब होगी तो हमारी को जिम्मेदारी नहीं। USB भी लगती है, ये गाने शाने भी चल जाएंगे तुम्हारे, लग जाएंगे जो तुमने टिकटॉक शिकटॉक बनानी होगी सब बन जाएगा, जो करना होगा कर लेना, मैं निकल मेरा पुत्र। चलो शाबाश बैठो, चाबी भी लो जी, मुबारक को जो चाबी दे दी गई आपको, बैठो लेक्सस की चाबी। और इससे अच्छी जगह मिलेगी कोई? 2 महीने की इंटर्नशिप के तुम्हें लेक्सस मिल गई। हाँ चलो स्टार्ट होती है, अब आगे तुम्हारे ही किस्मत है भाई, नहीं होती चल मर्जी है तुम्हारी। सो व्यूअर्स ये था आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक मैं जरा इसको धक्का लगा लूँ। चलो भाई चलो।